मैं यहीं पर ही राम मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर ही एक महाराज जी का छोटी सी कुटिया है और यहीं पर मैं रुका हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं आज सुबह आ गया था लखनऊ और अब यहाँ से मैं जाऊँगा अयोध्या के लिए। और यहाँ पर संघ द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है साधु संतों के लिए। और यहाँ एक आश्रम है, यहाँ पर अभी स्नान कर लिए हैं और फिर अब इन्हीं की बस है और इसी बस में और भी साधु संत के साथ में हम भी जाएंगे अयोध्या के लिए। ये धर्मशाला है और इसी में रुके हुए थे और नीचे बस खड़ी है, फिर बस में हम जाएंगे अयोध्या। जय श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं कल यहाँ पर पहुँचा, मुझे कुछ भी नहीं था कि मुझे कैसे आना है यहाँ पर, क्योंकि अभी 2 दिन से यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया गया है अयोध्या में। किसी का आना, कोई बस नहीं चल रही है, कोई साधन नहीं चल रहा है। तो मैं जैसे ही ऋषिकेश से ट्रेन से यहाँ अयोध्या, तो नहीं डाइवर्ट हो गई थी ट्रेन, अयोध्या वो आई नहीं और वो लखनऊ तक ही आई। फिर लखनऊ से फिर बनारस के लिए उधर डाइवर्ट कर दिया गया उसको। फिर मैं लखनऊ में उतर गया, फिर मैं सोचा चलो प्रभु के लिए चल रहे हैं तो कोई ना कोई व्यवस्था बनेगी ही। तो जैसे ही मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर उतरा, वहाँ पर मुझे एक महाराज जी मिल गए और महाराज जी यहाँ आ रहे थे अयोध्या के लिए, और भी 2-3 साधु संत थे। तो मेरे पास में तो कोई कार्ड था नहीं आमंत्रण का, तो उन लोगों के पास में था, उनकी संस्था के द्वारा आमंत्रण मिला हुआ था यहाँ पर। तो उनको सारी व्यवस्था पता थी कि कैसे आना है कैसे नहीं आना है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो मैं भी उनके साथ में हो लिया और फिर उसके बाद में जैसे ही लखनऊ रेलवे स्टेशन पे उतरे तो संघ वालों ने वहाँ पर एक वेटिंग रूम में व्यवस्था किया हुआ था साधु संतों के लिए। तो हम वहाँ पे गए और फिर वो सब लेकर के गए, वहाँ एक धर्मशाला थी और फिर वहीं पर स्नान किए और थोड़ा नाश्ता पानी किए। फिर उसके बाद में उनकी ही बस में फिर मैं यहाँ अयोध्या तक आया। बाकी तो सारी गाड़ियों को नहीं आने दे रहे हैं, जिनके ऊपर पास लगा हुआ है एंट्री का उनको ही आने दे रहे हैं। तो मैं आ गया यहाँ पर अयोध्या, शाम को पहुँचा लगभग 5:30-6 बजे।
और फिर मैं देखा कितनी सारी यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई थी और कोई भी गाड़ी अंदर एंट्री नहीं हो रही है। और आज तो पैदल भी एंट्री बंद है, सारे सब सब कुछ सीमाएं जो भी हैं सील हैं यहाँ आने के लिए। जो अंदर आ गए और वही रहेंगे। चलिए, अगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं भी उस दिन 22 तारीख को दर्शन हो पाए तो 23 तारीख को दर्शन हो जाएगा, लेकिन प्रभु राम की नगरी में आने का सौभाग्य मिल गया 22 तारीख को। और यहीं पे ही आज मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, हनुमानगढ़ी पे जाऊँगा और भी दो चार पांच जो मंदिर हैं बड़े बड़े वहाँ पर जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा अयोध्या। और ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं यहीं पर ही राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही एक महाराज जी का छोटी सी कुटिया है और यहीं पर मैं रुका हुआ हूँ। ये महाराज जी आए हुए थे उत्तरकाशी में मेरे पास में, आप वीडियो में भी देखे होंगे। और फिर इन्हीं के पास में आकर के मैं रात में रुका और अब मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी पे जाऊँगा, फिर सरजू जी के दर्शन करने जाऊँगा। ये महाराज जी की कुटिया है। अभी बज चुके हैं सुबह के 8:15 और मैं और महाराज जी निकले हुए हैं दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी जाएंगे और सरजू जी के तट पे जाएंगे और कनक भवन जाएंगे और फिर कल तो 22 तारीख है, हो सकता है कल बंद रहे या जैसा भी रहेगा देखते हैं। और आज दर्शन करके आ जाते हैं और फिर मुझे 23 तारीख को दर्शन करके फिर निकलना है काशी के लिए। चारों तरफ साफ सफाई की सेवा चालू है और आप देखेंगे सारे घरों के ऊपर भगवा रंग फहरा रहा है और फहराना ही चाहिए, उत्सव का दिन है। और आगे भी आपको दिखाते हैं, अभी सारा विकास कार्य चालू है और यहाँ पर एक नया कुंड बन रहा है, बढ़िया खूबसूरत डिजाइन में बना हुआ है इसका। चारों तरफ उत्सव का माहौल है और आप देखेंगे पूरी सड़कें सजी हुई हैं और चारों तरफ भगवा ध्वज फहरा रहा है। और अब हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, आज दर्शन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में 23 तारीख को राम जी के दर्शन करेंगे राम मंदिर में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों को बाहर ही रोक करके रखे हुए बॉर्डर पे, इसलिए अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं है। आज हनुमानगढ़ी के दर्शन करने आए हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे ज़्यादा भीड़ नहीं है। बहुत सारे मीडिया वाले भी हैं, कैमरे वाले भी हैं यहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, ये देखिए पूरा फूल लगा करके कितना सुंदर बनाए हुए सीढ़ियों को। जय कृपानी राम, जय श्री 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 राम।